हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा 2-3 साल का है और स्कूल जाने के लिए रेडी है तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से बच्चों को लिखना शुरू करवाया जाए। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि बच्चा ए बी सी से कभी भी लिखना शुरू नहीं करता है। सबसे पहले उसे फ्री फिंगर मूवमेंट कराई जाती है। फ्री फिंगर मूवमेंट के लिए मैं क्रेयॉन्स को रिकमेंड करूँगी। आप कोई भी क्रेयॉन्स ले लीजिए और कोई भी रंग बच्चा चूज़ करें और उसकी फ्री हैंड ड्राइंग, फ्री मूवमेंट, बच्चा ऊपर नीचे कहीं भी हाथ चलाकर फ्री हैंड ड्राइंग करता है, फ्री कलर करता है, जिससे बच्चे की फिंगर्स मूवमेंट अप डाउन ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं पर भी वो कलर चला सकता है। और 2-3 दिन उसको यही सब करने के लिए बोलें। बच्चा अलग अलग कलर से ये करेगा, उसकी प्रैक्टिस होगी, उसकी फिंगर मूवमेंट्स होंगी। और इसके बाद 2-3 दिन बाद उसे एक डॉट लगाना सिखाएंगे, जिससे कि चलते चलते डॉट पर तक पहुँच कर वो अपने फिंगर को स्टॉप कर सके। चलाते चलाते डॉट तक पहुँच कर अपने फिंगर स्टॉप कर सके। तो ये सबसे पहले स्क्रिबलिंग एंड डॉट मेकिंग सबसे पहले उनको कराई जाएगी। उसके बाद सर्कल एक बनाकर दे सकते हैं हम। बच्चे को एक सर्कल बनाकर दे देंगे जिसके अंदर बच्चे को कलर करना है कि, और बच्चे को ये समझा देंगे कि इस लाइन से बाहर नहीं लेकर जाना है। बच्चा कलर करेगा, किसी भी कलर से करेगा और लाइन से बाहर नहीं निकालने की कोशिश करेगा। फिर भी बच्चे का थोड़ा बहुत लाइन से बाहर निकल जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन बच्चा धीरे धीरे इसी तरह से सर्कल में, या कोई भी फिगर आप बना कर दे दीजिए, ट्रायंगल बना कर दे सकते हैं, कोई भी फिगर, इजी फिगर दे सकते हैं जिसमें कि बच्चा ये कलर करेगा। इसके बाद मैंने कुछ वर्कशीट्स बनाई हैं जिसमें कि बच्चे को आप प्रैक्टिस कराएंगे स्टैंडिंग लाइन, सीधी लाइन, स्टैंडिंग लाइन। बच्चे को फोर्स नहीं करना है, सिर्फ उसको बताना है कि ये स्टैंडिंग लाइन है। और कुछ ऐसे फिगर्स कलरफुल ड्रॉ करनी है और बच्चे को बोलना है कि ये डॉटेड लाइन के ऊपर बच्चा हाथ चलाए, और डॉटेड लाइन पर ऐसे करके बच्चा इस लाइन को फिल करेगा, जिससे कि उसके हाथों की प्रैक्टिस होगी। अम्ब्रेला, इसमें भी लाइन, डॉटेड लाइन में प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा स्टैंडिंग लाइन में स्ट्रेट लाइन, और ये फ्लावर बनाकर नीचे डॉटेड लाइन लगाई है जिसको कि बच्चा पूरा करेगा। इसी तरह से क्लाउड्स बने हुए हैं जिसमें कि रेन ड्रॉप्स हैं, गिर रही हैं। बच्चे को इसको कंप्लीट करना है जिससे उसकी स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस होगी। कलरफुल शीट्स देखकर वो एंजॉय करेगा इसको करने में। स्टैंडिंग लाइन के बाद स्लीपिंग लाइन कराई जाती है। स्लीपिंग लाइन में कोई भी आप ऑब्जेक्ट दे देते हैं और डॉटेड लाइंस को उसी तरह से बच्चा प्रैक्टिस करके दिखाएगा। लैडर बनाइए जिसमें कि इस तरह से इनको कंप्लीट करेगा। बच्चा इन सब कामों को करने में एंजॉय करेगा। वाटर, वाटर के लिए उसको कहेंगे ब्लू कलर के वाटर से आप ऐसे ऐसे लाइनें, स्लीपिंग लाइन डालेंगे, वाटर बनाएंगे। और सॉफ्टी, जिसके अंदर ये लाइंस डली हैं जिसको कि कंप्लीट करना है। बच्चे की स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस इस तरह से हो जाएगी। इसके बाद थर्ड नंबर पे बच्चों को जिग जैग सिखाया जाता है। जिग जैग, जिगजैग में ग्रास बना सकते हैं बच्चे। उनको बोलेंगे कि ग्रास ग्रीन कलर की होती है, आप ग्रास बनाइए और उसमें थोड़ा सा कलर। माउंटेन्स बना सकते हैं, वाटरमेलन, जिसमें कि जिगजैग बनाकर, इसमें डॉटेड डॉटेड बनाकर बच्चा उसको कंप्लीट करता है। इसके बाद बच्चों को कर्व्स बनाने सिखाए जाते हैं। सेमी सर्कल, हर डायरेक्शन में सेमी सर्कल बनाना सिखाया जाता है। सेमी सर्कल हर डायरेक्शन में, तो उसके लिए भी वर्कशीट्स हैं जिसमें कि बेल, जिसमें डॉटेड लाइंस हैं, बच्चा ऐसे इनको पूरा करेगा। बोट बनाना है जिसमें सेमी सर्कल है। फिश बनी है जिसमें बच्चे को बोलेंगे कि ये डॉटेड लाइंस को पूरा करें, इससे बच्चों की हैंड मूवमेंट प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। इसके बाद फुल सर्कल बनाना बच्चे को सिखाया जाता है। बच्चे अपने आप से ही टेढ़ा मेढ़ा सर्कल बनाना सीखते हैं
और आप कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीज़ें दे सकते हैं जिसको कि कंप्लीट करेंगे, डॉटेड डॉटेड लाइंस को पूरा करेंगे, तो धीरे धीरे बच्चे ठीक से सर्कल बनाना सीख जाएंगे। ये बॉल है, ये सन, और बच्चों से पूछेंगे भी सही कि सर्कल से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। ये वॉच, जिनको कि बच्चे धीरे 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 डॉटेड लाइन से कंप्लीट करेंगे। मैं बहुत फास्ट कर रही हूँ, बच्चे बहुत स्लो करते हैं। धीरे 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 एक एक डॉट को मिलाएंगे, उनका आई कोऑर्डिनेशन, हैंड कोऑर्डिनेशन और कलर्स की पहचान सब साथ में हो जाएगा। ये व्हील बनाएंगे, व्हील का अपर पार्ट जो है, अपर सर्कल डॉटेड डॉटेड करेंगे, जिससे कि बच्चे उसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद पैटर्न्स की बारी आती है। पैटर्न्स में हम कई तरह के पैटर्न्स मैंने बनाए हैं, जिसमें बच्चा उनको बनाएगा। ऐसे ही देखकर इसको डॉटेड लाइन दे दिया जाता है, उस बच्चे को उसको कंप्लीट करना है। मैंने अभी फुल लाइन इसलिए बनाई है कि आप वीडियो में अच्छी तरह से दिखाई दे जाए। पहले स्ट्रेट लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन और स्लिपिंग लाइन, इस तरह के पैटर्न बच्चों को दिए जा सकते हैं, जिससे कि बच्चा इनको करे। फिर जिगजैग, बच्चा डॉटेड लाइन के ऊपर अपनी पेंसिल चलाकर या क्रेयॉन्स, इस समय आप पेंसिल भी दे सकते हैं बच्चे को, जिससे कि क्लीन पैटर्न्स बने। और अगर बच्चे इंटरेस्टेड हैं क्रेयॉन्स करने में, तो क्रेयॉन के साथ कराएंगे। ये इस टाइप का पैटर्न कराया जा सकता है जिगजैग के बाद। फिर क्रॉस बनाना, एक के ऊपर एक दूसरी लाइन। इसके बाद पैटर्न्स में यू पैटर्न्स आ जाते हैं, जिसमें कि अपर यू फिर लोअर, इस तरह के पैटर्न। जीरो को टच करना, उनको बोलेंगे कि सर्कल बनाएं, एक दूसरे से टच करते हुए सर्कल बनाएंगे, एक दूसरे से टच करते हुए। और यहाँ पर जैसे दूर दूर सर्कल बनाएंगे, बीच में डॉट डालेंगे, बच्चों को डॉट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके साथ साथ स्लिपिंग स्ट्रेट, स्लिपिंग स्ट्रेट, स्लिपिंग स्ट्रेट, स्लिपिंग स्ट्रेट, ऐसे स्लिपिंग, ये लाइन बच्चों को साथ में मूवमेंट, हैंड मूवमेंट होगी ऐसे। ट्राइंगल बनाना भी बच्चों को सिखाएंगे, लाइंस और स्लिपिंग, टू लाइन साइड स्लिपिंग। इस तरह के पैटर्न्स बच्चों को कराए जाएंगे। ये सब प्रैक्टिस करने के बाद, ये सब जब बच्चा कर लेता है, उसके बाद बच्चों को लिखना स्टार्ट कराया जाता है। लेकिन ए ए ए फॉर एप्पल फिर भी नहीं सिखाया जाता। पहले स्ट्रेट लाइन वर्ड सिखाए जाते हैं, जैसे ई एफ आई एच टी एल, ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंड स्लिपिंग लाइन वर्ड्स हैं। उसके बाद ए एम एन, जो कि टेढ़ी लाइन से सिखाए जाते हैं, जेड एक्स। उसके बाद थर्ड, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप पे कर्व्ड वर्ड सिखाए जाते हैं, सी डी बी जी जे ओ पी क्यू आर एस यू, इस तरह से ए टू जेड सिखाई जाती है। ये सब पैटर्न्स करने के बाद बच्चा इनको बहुत अच्छी तरह से सीख लेता है। इससे बच्चे की प्रैक्टिस हैंड मूवमेंट अच्छे से होती है। सारे पैटर्न्स करने के बाद ए टू जेड बच्चा लिखने के लिए रेडी होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से बच्चे को लिखना स्टार्ट कराएं, और सारे पैटर्न, सारे स्टैंडिंग, स्लीपिंग, सब लाइंस कराने के बाद बच्चे को ए टू जेड, 1 to 10 और वर्णमाला अगर करवाते हैं, तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। थैंक यू।